हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारी यूट्यूब चैनल MES इलेक्ट्रिक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, आज हम करेंगे SS कम्बाइन विद बॉक्स का वायरिंग। 20 एम्पियर का ये SS कम्बाइन बॉक्स है। SS कम्बाइन यानी कि स्विच सॉकेट कम्बाइन बॉक्स। जनरली ये 20 एम्पियर कम्बाइन बॉक्स में 2.5 का वायर यूज़ किया जाता है वायरिंग के लिए। आप ये 20 एम्पियर SS कम्बाइन बॉक्स में 6 एम्पियर का प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो और 20 एम्पियर का भी। 6 एम्पियर के लिए आप देख सकते हो ये 1, 2 और 3, ये 6 एम्पियर का सॉकेट हो गया। और 20 एम्पियर का यानी 16 एम्पियर का सॉकेट 1, 2, 3, ये बड़ा वाला 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं ये कैसा है। ये आज हमने ये लिया है हाईफाई कंपनी का SS कम्बाइन बॉक्स। तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारा 20 एम्पियर का SS कम्बाइन विद बॉक्स हाईफाई कंपनी का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये बॉक्स को भी खोल लेते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग कैसा होता है। और इसके पीछे फ्रेंड्स, स्विच और सॉकेट के पीछे होता है सिरामिक, उसका भी क्या फ़ायदा होता है वो आपको बताते हैं। तो पहले इस बॉक्स खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये कम्बाइन बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये स्विच और सॉकेट के पीछे जो सिरामिक दिया होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। ये सिरामिक का एक फ़ायदा ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब भी हमारा स्विच सॉकेट यूज़ में होता है तो इसके कॉन्टैक्ट गर्म होते हैं, वायर गर्म होता है, उसके वजह से कॉन्टैक्ट गर्म होते हैं। तो उसके वजह से कभी कभी स्विच और सॉकेट के कॉन्टैक्ट जल जाते होंगे, आपने देखा होगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मॉड्यूलर स्विच सॉकेट में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें होता है PVC का पीछे, तो धीरे धीरे जल जाता है। अब इसमें है ये सिरामिक, तो सिरामिक क्या करता है, थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से ये जल्दी जलता नहीं है कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका देखते हैं वायरिंग। वायरिंग में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा L यानी कि लाइन यानी कि फेस, यहाँ पे फेस का वायर लगेगा। ये हो गया N यानी कि न्यूट्रल, और ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो है अर्थिंग का। फ्रेंड्स, अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ये SS कम्बाइंड बोर्ड है। आपके घर में लगा सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का हाईफाई कंपनी का SS कम्बाइंड बॉक्स। अब हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी जो MRP है 255 पर बॉक्स। ये तो हो गई फ्रेंड्स MRP, लेकिन इसका जो मार्केट प्राइस है मार्केट में ये 140 से लेके 150 पर पीस में बिकता है। तो आपको ये मार्केट में आराम से 140-150 में मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे 2.5 mm का वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं 2.5 3 कोर का केबल और बताते हैं आपको इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ये कॉपर प्लस कंपनी का 2.5 mm 3 कोर का केबल ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वायरिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग स्विच सॉकेट को कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से लाइन में से लेफ्ट वाले टर्मिनल से और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे वायर कनेक्ट कर लेते हैं रेड कलर का 2.5 mm का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सॉकेट और स्विच को कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें दे देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई इनपुट। न्यूट्रल हमारा यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया न्यूट्रल, ये ऊपर वाले टर्मिनल में आ जाएगा अर्थिंग, और यहाँ हमारा आ जाएगा फेस। तो चलिए इसे कंप्लीट कर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ये SS कम्बाइंड बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, इनपुट सप्लाई भी दे दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ये SS कम्बाइंड बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग कर लिया है। अब ये केबल के दूसरे वाले एंड में इस जगह पे हम ये 16 एम्पियर का टॉप लगा देते हैं और आपको ये बोर्ड टेस्ट करके दिखाते हैं ओके है कि नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ये 16 एम्पियर टॉप का भी वायरिंग कर लिया है। L में अपना ये आ गया फेस का वायर रेड कलर का, N में आ गया न्यूट्रल का वायर ब्लैक कलर का, और ये अर्थिंग का ऊपर वाले टर्मिनल में आ गया ग्रीन वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बोर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये SS कम्बाइंड बोर्ड पूरी तरीके से वायरिंग करके रेडी है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। इनपुट सप्लाई के लिए हमने यहाँ 16 एम्पियर का टॉप लगा लिया है। तो चलिए इसका स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरी तरीके से इसका वायरिंग कम्प्लीट है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।